Good morning children hope you are safe at home today we will read the story the monkey and the log monkey means bandar and log means a piece of wood that is cut from a tree so it is part of the trunk of the tree now let's read the story and then understand it you can read along with me, children. The Monkey and the Log. Once upon a time, certain workmen were busy building a temple when it was noon. So, here there are some men at work and they are building a temple, and then it becomes आफ्टरनून तो कुछ आदमी यहां पे मंदिर बना रहे थे और काम करते करते दोपहर का समय आ गया लेट्स सी व्हाट सुना सिंग राम राव लेट्स गो टू द टाउन फॉर लंच सो दिस मैन इज टेलिंग द अदर मैन राम राव जो उसका नाम है चलो हम बाहर जाके लंच करते हैं सो वॉट डज ही रिप्लाई ओके श्यामराव आई जस्ट पुट अ वेज हियर एंड कम लेट्स होप नो वन टच इज दैट वेज वाइल वी आर अवे वेज इज द स्मॉल पीस ऑफ वुड दैट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द कट दैट इज देयर इन द लॉग

कि कोई इसे बाहर नहीं निकाल सकता है सो दे पुट द वेज इन द लॉग ऑफ वुड एंड दे को लंच Suddenly a monkey arrived. तो जब वे दोनों खाना खाने के लिए निकल गए वहां पर एक बंदर आ गया अचानक से अब देखते हैं बंदर क्या करता है बंदर बोलता है

इट्स टफ टफ मतलब बहुत मुश्किल है बाहर नहीं निकल रहा है आउट इट केम जब बंदर ने ज्यादा जोर लगाया तो वो लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकल गया लेकिन क्या हुआ वो जो वहाँ पे गैप था जो कटा हुआ लकड़ी था उसमें बंदर की पूछ चली गई और बंदर अटक गया फिर बंदर जोर से चिल्लाने लगा हेल्प 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 सो वॉट हैपेंड द गैप क्लोज इन ट्रैपिंग द मंकी स्टेल यहाँ पे जो जगह थी उसमें बंदर का पूछ अटक गया द पुअर मंकी क्राइड इन पेन बंदर को बहुत जोर से चोट लगी थी और उसकी पूछ बाहर ही नहीं निकल रही थी तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ। सो वी शुड नॉट मेडल विथ थिंग्स दैट आर नॉट कंसर्न टू अस तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जिस जगह पर हमारा कोई काम ना हो उस जगह पर हमें जाकर कुछ नहीं करना चाहिए हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए मेडल मीन्स वी शुड नॉट इंटरफियर और नॉट गेट इन टू थिंग्स विच आर नॉट रिलेटेड टू अस सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन ऑलवेज़ बी केयरफुल एंड डोंट ट्राई टू गेट इन टू अदर पीपल्स वर्क Now let's learn and write these words neatly. Let's say the words loudly, children. Workman, temple, touch, suddenly, wonder, building, wedge, lunch, arrived, medal, trapping, concerned. क्वेश्चन थ्री कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए है जो इनकम्प्लीट है आपको इन्हें कंप्लीट करना है अपने खुद के शब्द यूज करके फॉर एग्जाम्पल वंस अप ऑन अ टाइम देवर टू फ्रेंड्स यहाँ पर आप खुद का भी लिख सकते हो वंस अप ऑन ए टाइम दे वॉज अ किंग Once upon a time, there were three little pigs. I wonder what he's thinking about. I hope you understand. So, in this way, children, we have completed the phrases. That is all for today, children. I hope you understood it. Thank you and have a nice day.